है गाइस, वेलकम टू माय न्यू। तो आज की वीडियो में यार हम अनबॉक्सिंग करने वाले काफी अमेजिंग टॉय की, जो कि यार दिखने में काफी शानदार है। और यार होने वाले आज के जो हमारे गैजेट है वो पूरे होने वाले हैं एजुकेशन वाले यार। तो जल्दी से हम इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इनकी हम टेस्टिंग शुरू करते हैं। तो जल्दी से देखते हैं हमारे पास कौन कौन से गैजेट है। तो सबसे पहले हमें देखने मिलता है एक कंप्यूटर, एजुकेशन कंप्यूटर, जो दिखने में काफ़ी स्मॉल है, चलने में काफ़ी शानदार है। तो जल्दी से हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये है यार टू इन वन, यार टू इन को वन कॉम्बो है। तो जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसकी हम टेस्टिंग करते हैं। वैसे देख लेते हैं एक बार हमें इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो हमें इस प्रकार का एक ये कंप्यूटर देखने को मिलता है, लैपटॉप देखने को मिलता है, जिसमें लगती है 3AA बैटरी। और इधर देखें तो इधर हमें कुछ नहीं देखने को मिलता। और इसके अंदर यार हमें ऐसी छोटी सी 2 सेंटीमीटर की स्क्रीन देखने को मिलेगी, जो कि है LCD। तो करते हैं इसे ओपन और इसकी हम टेस्टिंग शुरू करते हैं। टेस्टिंग काफ़ी अमेजिंग है, इसे चलाने में भी काफ़ी शानदार। और हमें इसमें कौन सा देखना ही मिलता है गैजेट वो देखते हैं। ओहो, ये क्या है यार, सूटकेस या पर्स कह सकते हो आप, इसे सूटकेस कह सकते हो। मुझे तो यार सूटकेस लग रहा है और ये लेडीज वाला पर्स भी लग रहा है यार। लग रहा है नहीं लग रहा है? इसके अंदर हमें कुछ मिल तो नहीं सकते, लेकिन यार ये काफ़ी अमेजिंग है, इसे चलाने में काफ़ी मजे आने वाला है। लेट्स ओपन, लोट्स, काफ़ी ज़्यादा फन होने वाला है इसमें। तो यहाँ से इसको हम ओपन करते हैं, पहले देख लेते हैं। पीछे पूरा ब्लू है और आगे येल्लो है। और यहाँ पर लगती है इसकी 3AA बैटरी, जो हमने इसके अंदर लगा रखी है। तो यहाँ से इसको ओपन करना है, इस प्रकार से इसको ओपन कर लेना। देखो कितना ओपन करना है, कितना शानदार। देखो ये काफ़ी मज़ेदार है ना यार टॉय आज का। देखो इसके अंदर ये है, यहाँ पर इसकी 2 सेंटीमीटर की LCD है डिस्प्ले, जिसके अंदर हमें LED लाइट देखने को मिलेगी। जैसे जैसे हम इन बटनों को इनको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें वो के वो फंक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसमें देख सकते हो आप, ये तो हमारी होगी इसकी LCD, ये 2 सेंटीमीटर की। ऊपर लिखा है कंप्यूटर और इसके ऊपर कुछ आइकन भी देखने मिलते हैं, जैसे कोक बना है, डॉग है, एलिफेंट, इस प्रकार के हमें आइकन, बहुत सारे आइकन देखने मिलते हैं। और इधर हमें ये कुछ फंक्शन देखने मिलता है, बटन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसमें ये है, इसे ऑन करने का बटन है। और इधर ये मंकी बना हुआ है, पांडा बना हुआ है, यहाँ पर इसका मोड है, ये और मोड देखने को मिलेंगे। इसमें हमें उसे इसकी टेस्टिंग शुरू करते हैं ना। तो सबसे पहले कहता है इसे ऑन हो गया और ऊपर भी हमारी डिस्प्ले चालू हो गई है। अब इसको ऑन करते हैं, चलाते हैं ना। ऑन कर लिया, फिर से दबाना हमें इंग्लिश मोड। इसके अंदर दो मोड आते हैं, एक इंग्लिश मोड और एक चाइनीज मोड। हमें चाइनीज लेना है, चाइनीज से कुछ लेना देना नहीं, हमें चलाना है इंग्लिश मोड। तो ऐसे इंग्लिश मोड दबा दिया, ठीक है, ओके। अब कहते हैं हम काउंटिंग स्टार्ट, 1 2। अरे यार वर्ल्ड वर्ल्ड, इस प्रकार से बोल दबाना पड़ता है यार। ओके, काउंटिंग स्टार्ट हो गई जी। और यहाँ पर एक देखने को मिल रहा है, 1 2 3 4। ऐसे तो मैं गिनती सीख जाऊंगा इससे यार, आपको गिनती नहीं आती, इसे आप गिनती सीख सकते हो आराम से। 5 6 7 8, यहाँ पर भी मेंशन हो रहा है। और यहाँ पर हमें देख सकते हैं, हमें यह दो दो फायदा हो रहा है, हम यहाँ से हमें डिस्प्ले में भी दिखाई दे रहा है और साथ में हमें वॉइस भी सुनने इनको देखने सुनने को मिल रही है। यदि आप यार 6 साल से नीचे हो तो आपको ये काफ़ी अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि यार ये आप जो शुरू में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उसे चलाने में, जैसे जो सिलेक्ट होती है उसे लिखने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इससे सुनने से और देखने से बच्चा जल्दी सीखता है, तो इसे सुन भी रहा है और देख भी रहा है, तो इससे हमें दोनों को कॉम्बो मिलेगा, दोनों से काफ़ी मजा आने वाला है। अब इसको देखो, अल्फाबेट देखते हैं, अल्फाबेट यहाँ पर लिखना, अल्फाबेट पर हमें क्लिक करना है। ये लिखा यहाँ पर वर्ल्ड, पहले लेटर था, लेटर पर दबाते पहले। देखो हम जो भी दबा रही है वो बोल रही है, वापस हमें सुना रही है ना। अब जब अल्फाबेट दबाते हैं, ABCDEF। तो ठीक, ये हो गए हमारे लेटर। अब करते हैं हमारे इसके जो होते ना शब्द, वो देखते हैं वर्ड मोड। ओके, अब गए भाई, ऐसे क्या होता है वो बोलेगा, एल्कमैन। बी से बस। सी से कट। डॉग। दबाते रहो, मैं दबाते रहो, मजा आने वाला काफी। एलिफेंट, एल्फाबेट, फायरमैन। तो ये हो गया हमारा एल्फाबेट। ऐसे जेड तक आप ऐसे अल्फाबेट भी सीख सकते हो। और इससे यार एक और काफ़ी शानदार है, वो एक म्यूजिक सिस्टम भी देखने को मिलता है, यानी हम जो पियानो से बजा सकते हैं। म्यूजिक मोड दबाएंगे, डन 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 डन।
धा नी आपको आता है क्या सरगमा पापा धा सरेगमा पा धा नी 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 सा सा सरगमा पापा ने धीना ईसा निशा निशा मुझे नहीं आता आपको आता है कमेंट में जरूर बताना ओके सरेगमा पा धा नी सा ये हो गया हमारा म्यूजिक मोड और अब देखो अब इनके साथ में जो मेंशन है वो दबा के देख देना ये वाटरमेलन है ना तरबूज दबाते इसको इधर फिर क्या स्ट्रॉबेरी 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 और इधर है हमारा पांडा 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 तो गाइस यार आज का ये जो है आपको कैसा लगा कमेंट में जो बताना काफी शानदार था काफी यूनिक था और हम जैसे इसको ऑफ करेंगे तो ये बोलेगा बाय बाय ओके तो ये कैसे कैसे लगा कमेंट में जो बताना वो ये मिल जाता है हमें लगभग रिटेल में मिलेगा 500 में मिल जाएगा और अगर आप होलसेल में लोगे तो ये 200 से 350 के अंदर मिल जाएगा और रिटेल में तो ये काफी महंगा मिलने वाला तो अब आते हैं हमारे दूसरे गैजेट के ऊपर जो कि है यार एक टेबलेट स्लेट कुछ भी कह सकते हो आप अगर टेबलेट इलेक्ट्रॉनिक में गिनोगे तो इसे टेबलेट कह सकते हो और इलेक्ट्रॉनिक में नहीं मानते हो तो आप इसे स्लेट भी कह सकते हो अब ये है यार ये है 5 साल से नीचे के बच्चे जो स्टार्टिंग में लिखना पढ़ना सीखते ना उनके लिए ये गैजेट होने वाला है तो इसकी भी हम अनबॉक्सिंग करते हैं और इसकी भी हम टेस्टिंग शुरू करते हैं तो ये हमारे पास इस प्रकार के हमें गैजेट है तो इसके ऊपर क्या क्या है वो देख लेते हैं तो ये है हमारी 8.5 इंच की LCD राइटिंग टेबलेट जो कि है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और इसमें क्या है नो पेपर नो चाक यानी हमें इसके अंदर पेपर की भी आवश्यकता नहीं है और ना ही हमें इसे चौक की आवश्यकता होती है और यहाँ हम यह एक बात बताऊँ यार को जब हम छोटे थे ना हमारे पास स्लेट होती थी वो ब्लैक कलर की स्लेट उसमें हम चौक होती थी चाक और हम कहते थे बर्तन तो बर्तन हम काफ़ी ज़्यादा खाते थे आप खाते थे नहीं खाते कमेंट में जो बताना यार है ना वो चाक तो इसके अंदर हमें 4 कलर देखने को मिलते येलो रेड ग्रीन ब्लैक यानी इस प्रकार के हम कलर देखने को मिलते हैं और मेरे पास है ये 2 कलर के तो दोनों कलर मैं बता देता हूँ आपको ये एक रेड और एक ब्लू ये काफ़ी प्रॉपर इसमें पैकिंग के साथ में आते हैं और ये इसका पॉलीथिन एक इसको हटा देते हैं ये आ गया हमारा ब्लू टेबलेट तो इसके फंक्शन बता देता हूँ तो इसका फंक्शन है इसमें हमें एक एस पेन देखने को मिलता है ये हमारा एस पेन जो कि सैमसंग वो का फ़ोन आता है ना S20 Ultra जिसके अंदर देखने को मिलता है एस पेन वो का वही है वो इसमें लगती है एक बैटरी जो लगभग 2 साल तक चल जाती है और यहाँ पर पीछे एक बटन है इसका ऑन ऑफ करने का जिसे हम लॉक कर सकते हैं यदि हम इसको लॉक कर देंगे ना तो हम आगे कुछ भी लिखेंगे तो ये बिगड़ेगा नहीं इस डिलीट को हम प्रेस करेंगे तो ये मिटने वाला नहीं है तो इसलिए हम इसको ऑन कर देते हैं और फिर इस डिलीट बटन से इसको हम डिलीट कर सकते हैं तो क्या लिखें सबसे पहले मेरा नाम लिख दूँ ओके मैं नाम लिख रहा हूँ तो मेरा नाम है जितेंद्र ये हो गया मेरा नाम इस प्रकार से देखो ये है इलेक्ट्रॉनिक प्ले टेबलेट को या सिलेक्ट को काफ़ी दोनों कह सकते हो आप कुछ भी कह सकते हो आपको जैसा अच्छा लगे वो कह सकते हो तो मैंने इसका नाम लिख दिया इस प्रकार से आप भी लिख सकते हो और इसे कुछ नहीं करना हाथ फेरो आप हाथ से कुछ नहीं होने वाला है ना हाथ से बच्चे क्या कहते हैं स्लेट पे कुछ भी चाक से लिखते हैं और वो उसे बिगाड़ देते हैं वो कभी जल्दी बिगड़ जाता है लेकिन इससे वह हाथ से नहीं बिगड़ने वाला है इसका क्या करना है इस प्रकार से हाथ से बिगाड़ो नहीं बिगड़ने वाला इस डिलीट बटन को आपको दबाना है जैसे आप दबाओगे इस प्रकार से और यह आपका पूरा डिलीट हो गया इस प्रकार से इसे चलाना काफ़ी सिंपल है आपके अंदर अगर कोई भी छोटा बच्चा है तो उसे यार चलाने में काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि यार इसमें ना तो चौक की जरूरत पड़ती है और ना ही इसमें यार कोई पेपर की जरूरत पड़ती है इसे कार चलाने में चलाने में भी काफ़ी ईजी है तो इसे चलाने में भी काफ़ी मज़ा आएगा तो आपको मज़ा आ रहा है नहीं यार कमेंट में जरूर बताना ठीक है तो अब क्या लिखे हमारे चैनल का नाम लिख दे ओके हमारा कैसे ऐसे लिखना भी काफ़ी आसान है और एक मेन फीचर बताता हूँ काफ़ी यूनिक है वो उसे आपको ध्यान रखना है काफ़ी ज़रूरी है तो इस एस पेन को आपको क्या करना है यदि आप इसे लॉन्ग प्रेस करते हो ना तो जोर से प्रेस करते हो ऐसे तो आप जो भी लिख रहे हो वो आएगा बोल्ट में बोल्ट क्या होता है जो गहरा कलर का आता है वैसा और अगर आप इसको लाइट में करोगे ना हल्के हाथों तो इसमें भी ये लाइट लाइट देखने को मिलेगा तो ये यार इसका यूनिक है इसको हमें आपको ध्यान में रखना चाहिए तो अब क्या कहते हैं मैंने यार बचपन में मैं जब छोटा था तो नहीं कह सकते यार मैं लगभग था 8 से 9 साल का तो तब तो मैं एक चीज़ को मैं ज़्यादा बनाता वो क्या था जो पुड़ी हर्ट तो वो बना देता हूँ मैं वो मुझे काफ़ी बनाना आता है उसको क्या कहता है इस प्रकार से 2 लाइन कीजिए इसको ऐसे
तो हमारी ड्राइंग कैसी लगी इस प्रकार से आप इस पर ड्राइंग भी बना सकते हो। कैसी लगी ड्राइंग कमेंट में जो बताना ना, शानदार है नहीं है। तो ये है हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्लेट जो कि काफ़ी यूनिक है, और इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये हमें मिल जाती है, अगर आप होलसेल में खरीदे हो तो आपको ये 70 या 75 रुपये तक मिल जाएगी, और यदि आप रिटेल में खरीदे हो तो आपको थोड़ी ये महंगी पड़ने वाली, ये मिलेगी आपको 150 रुपये में। भाई यार आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और आज के हमारे गैजेट कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना, और यदि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे ऐसे ही नए नए अमेजिंग टॉय की वीडियो के साथ में, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।